मुझे पता है कि शायद अहमदाबाद में भी भिखारी लोग परेशान कर देंगे आपको। भिखारी लोगों का तांडव आपको पता होगा, सिग्नल चार रस्तों पर भिखारी लोग लपक लेते, सीधी वसूली करते। खास करके हम मोटरसाइकिल के पीछे हमारी पत्नी या गर्लफ्रेंड पीछे बैठी होती है तो भिखारी लोग सीधी वसूली करते। तो एक बार क्या हुआ, हमारे बहुत ही अच्छे फिल्म स्टार इरफान खान, फिल्म आन, फिल्म रोक, फिल्म चरस, फिल्म चॉकलेट, छोटा रिचार्ज जो सीरियल चल रही है, मानो या ना मानो, मोटरसाइकिल लेके जा रहे थे और भिखारी ने लपक लिया। तो इरफान खान भिखारी को समझा रहा, क्या करा भैया, अबे अबे भीख मांग रहा, अब तो वसूली कर रहा, अबे कोई तरीका क्या भीख मांगने का, अब इस तरह भीख मांग के हमको भिखारी बनाएगा, अच्छा करेगा भैया, तू जाएगा बेटा बहुत ऊपर जाएगा, इतना ऊपर जाएगा नीचे नहीं आएगा। दूसरे दिन बहुत ही अच्छे एक्टर हमारे फिरोज खान साहब लंबी गाड़ी लेके जा रहे थे, भिखारी ने लपक लिया। फिरोज खान साहब भिखारी को समझा रहा, बच्चा इस देश में हर कोई भीख मांगता है लेकिन सबका नाम अलग है। सड़कों पर भीख मांगने वाले को भिखारी कहते हैं, इलेक्शन में वोट मांगने वाले को नेता कहते हैं, फिल्मों में रोल मांगने वाले को अभिनेता कहते हैं। एग्जैक्टली, नेक्स्ट मैं दूसरी फिल्म बना रहा हूं, उस फिल्म के अंदर मैं तुम्हें भिखारी का रोल दूंगा, भीख में तुम्हारे लिए इतना काफी, चलता हूं, अल्लाह हाफिज। हाँ दोस्तों, सुन रहे मुझे प्यार दे रहे, आइए आपके सामने एक साउंड की आवाज सुनाने जा रहा हूं। यह आवाज एक ट्रेन की आवाज है, वो ट्रेन जो आज से 57 साल पहले जब हमारे भारत देश में चली थी, तो आपने देखा होगा फिल्म शोले में, फिल्म गदर एक प्रेम कथा में, ये ट्रेन जब पटरी पे स्टार्ट होती आवाज क्या होती, पटरी पे चलती आवाज क्या होती, जब ट्रैक चेंज करती आवाज क्या होती, किस ब्रिज के ऊपर से चली जाती तो आवाज क्या होती, एक साथ दो ट्रेनें मिलती तो आवाज क्या होती, और ये ट्रेन करीब होकर दूर निकल जाती तो आवाज क्या होती। तो आइए सफर करते हैं ट्रेन के साथ। आपकी तालियों की आवाज सुनकर अभी भी मुझे शक हो रहा है, कुछ मेरे मेहमान मेरी चालू ट्रेन में सो रहे थे और महिलाओं का डब्बा वहीं छूट गया था और बच्चे शायद प्लेटफॉर्म में रह गए थे।